अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किचन विद बिया। आज हम बनाएंगे कच्चे आमों का मुरब्बा विदाउट वाटर। तो चलिए देखते हैं इसे हम बगैर पानी के कैसे बना पाएंगे। यहाँ पर मेरे पास कच्चे आमों की कैरियाँ हैं जो कि हाफ केजी है और इन्हें मैंने लंबाई में काट लिया है। एक कैरी की मैंने कटिंग नहीं की, वो मैं आपके सामने करूँगी। आपने इसे लंबाई में कट कर लेना है। यहाँ पर मेरे पास ऑरेंज कलर की हैं, अगर आपके पास वाइट कलर की हैं तो उसकी उसका भी आप बना सकते हो, जो भी मौसमी कैरी हो आप बना सकते हो। यहाँ पर मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ, मैंने लंबाई में काटे हैं, अगर आप चाहो तो क्यूब्स में भी काट सकते हो, मुझे ऐसे ही अच्छे लगे हैं। कटिंग हो गई है हमारी, अब फ्लेम की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने फ्लेम को लो पर रखकर सिर्फ इसमें कैरियाँ डाली हैं और जो भी बर्तन आपने लेना है वो ड्राई होना चाहिए आपका। यहाँ पर मैं सिरका इसमें ऐड कर रही हूँ और ये केसर के 14 से 15 दागे हैं। विनीगर इसमें जाएगा 6 टेबलस्पून, भरकर डालना और फ्लेम को हम मीडियम पर रख कर देंगे और विनीगर के ड्राई होने का वेट करेंगे। विनीगर हमारा ड्राई हो चुका है, अब हम 1 कप डालेंगे इसमें शुगर का। शुगर की मेजरमेंट का एक तरीका ये भी है कि जितने आम हैं उतनी आप शुगर ले लो। थोड़ी सी मकदार में इसमें वाइट पेपर डालेंगे, अगर आपके पास वाइट पेपर नहीं है तो आप ब्लैक पेपर भी डाल सकते हो। दालचीनी का एक टुकड़ा, यहाँ पर मेरे पास है सब्ज़ इलायची के दाने, इन्हें शामिल करेंगे। सब्ज़ इलायची जो छोटे वाली होती है ना, उसको जब आप ओपन करोगे, उसको खोलोगे तो उसमें ब्लैक ब्लैक दाने होते हैं, ये वही दाने हैं। हमें यहाँ पर एक तार की चाशनी चाहिए, फिंगर से चेक कर लेना या पैचुला पे लाइन लगा कर देख लेना, अगर लाइन ना जुड़े तो इसका मतलब है हमारा मुरब्बा रेडी है। और ये आपके मैंगोस पे भी डिपेंड करेगा कि वो कितनी देर लगाते हैं पकने में। आम का मुरब्बा रेडी है, यहाँ पर मैं इसे डिश आउट करूँगी। इसे आप फ्रिज के बाहर रखना, ये 2 साल तक ख़राब नहीं होगा। इसे जार में डाल के रखना और जो चम्मच लोगे वो ड्राई लेना। 4 से 5 दिन बाद देखना, इसका जायका और भी बढ़ जाएगा। शीरे की मिठास मैंगोस में चली जाएगी और मैंगो की खटास शीरे में चली जाएगी। मुझे दें इजाज़त, खुदा हाफिज़।